ओम शांति। कई बार जाने अनजाने या ज्ञानवश हम मनुष्य आत्माओं को या किसी अपने को तकलीफ देते हैं, जबकि हमें यह लगता है कि हम उसे तकलीफ नहीं बल्कि हम उसे सुख दे रहे हैं। दरअसल हम उसे सुख नहीं देते, हम उस आत्मा को कष्ट देते हैं। और वो कुछ इस तरह से, हम इतने सारे रिश्तों में, लौकिक रिश्ते हमारे आसपास हैं, भाई बहन, मात पिता, बंधु, सखा, माँ बच्चे का, बीबी पति का, और कितने सारे ऐसे रिश्ते हैं, है ना, बुआ का, भतीजी का, बहुत सारे हैं, काका, मामा, चाचा, आप तो कितने रिश्ते हैं ना, जानते हैं। तो ये रिश्ते हमारे जो लौकिक में हैं, वो रिश्तों में हम मोह रखते हैं। प्रेम करना अलग है और मोह अलग है, जो परमात्मा ने हमें इस ज्ञान में बताया है। जाने अनजाने कई बार हम उन मनुष्य आत्माओं को ना कष्ट कुछ इस तरह से देते हैं। देखिए, जब कभी कोई हमारा अपना किसी बहुत विकट बीमारी से जूझ रहा होता है और उस विकट बीमारी के समय वो आत्मा अपने कर्मेंद्रियों और अपने शरीर के द्वारा आत्मा को बहुत कष्ट होता है, और उस कष्ट के वक्त हम जो होते हैं स्वस्थ, जो उनके आसपास होते हैं, जिनसे हमारा रिश्ता होता है, और जब हम उनको इस कष्ट में देखते हैं, तो हमारे जो भी संबंध संपर्क में रहते हैं, फिर चाहे वो ज्ञान में चल रहा कोई, आध्यात्म में चल रहा कोई मनुष्य आत्मा हो, चाहे फिर आपका कोई गुरु हो, चाहे आपका कोई ऐसा हो जो बहुत अधिक पूजा पाठ करता है, या हम भी, है ना, हम उस वक्त जब कोई हमारा बीमार होता है तो हम उसे बचाने के लिए कुछ भगवान को कहते हैं कि भगवान हम ऐसा ऐसा करेंगे, हमारा इस जो भी संबंधी है उसे आप बचा लो, है ना, फिर दुआ करते हैं, पंडित के पास जाते हैं, होरोस्कोप दिखाते हैं, कहते हैं कि कैसे भी करके कुछ भी हो जाए आप उसे बचा लीजिए। हम कोई योगी आत्मा है उसे योग लगवाते हैं, भट्टी करवाते हैं कि हमारे इस के लिए भट्टी करो और उसे बचाने के लिए आप जो भी चाहेंगे हम आपकी मांग पूरी करेंगे। तो इस तरह से हम हर वो प्रयास करते हैं जिससे वो उसका शरीर ना छूटे, है ना। तो यह हमारा प्रयास अंत तक रहता है, जब तक हम कहीं ना कहीं या तो उस इंसान को बचा नहीं लेते या उस इंसान को खोने तक, अंतिम तक हम वो प्रयास करते हैं। असल में वो हमारा सोचना है कि हमें कुछ भी करके उसे बचाना है। देखिए, तकलीफ हमें वहाँ नहीं होती है जब कोई अधिक उम्र का हो या बहुत समय से बीमार चल रहा होता है, तो उस समय हमारा कहीं ना कहीं माइंड में ये चलता रहता है कि इसकी उम्र भी बहुत अधिक हो गई है, इन्होंने तो यूँ अपना जीवन अच्छी तरह से जी लिया है, अब ये बिस्तर पे पड़े हुए हैं, इससे अच्छा है कि ये इनका शरीर छूटे तो कम से कम ये जो कष्ट भोग रहे हैं वो भोगना उनके खत्म हो जाएगी। और बहुत अधिक हम सेवा कर करके थक भी जाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत अधिक होती है सेवा तो फिर थक जाते हैं, हमें भी अंदर से वैक्स हो जाते हैं, और हमें उनका जो बेड पर सब करना होता है तो फिर कोई कोई मन से करता भी नहीं है। लेकिन यहाँ हमें कुछ एक बातें समझने की है। वहीं फिर यदि कोई हमारा कम उम्र में, है ना, बहुत कम उम्र है और वो किसी कारणवश या कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहा है, तो उस समय हमें उसके खोने का इतना 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 डर रहता है कि हम उसे खोने के डर से ही कांप जाते हैं। जबकि ज्ञान में हमने ये समझा है, या परमात्मा जो हमारा कहते हैं कि जो आप आत्माओं का कोई एक जन्म का हिसाब नहीं है, जो जो आपके जीवन में, चाहे वो किसी भी संबंध में आपके जीवन में आते हैं, तो वो आपका हिसाब है। तो जैसे मान लीजिए कई कई आपके जीवन में ऐसे भी आत्माओं के साथ में आपका पाला पड़ता है या ऐसा आपका साथ होता है कि वो कुछ एक समय के लिए इतना अधिक घनिष्ठता हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि इनके बिना हम रह नहीं सकते, और फिर वो कुछ एक समय के बाद में सडनली गायब जैसे हो जाते हैं। तो वो जो उनका मिलना
और उनका हमारे साथ में सडनली बिछड़ना या गायब हो जाना, इन द सेंस कि कोई अनबन हो जाए या मिले, और ऐसे कई बार हम सफ़र करते हैं तो मिल जाते हैं, फिर हम कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं, फिर उनसे बात शुरू होती है, फिर इतना अधिक हमारा उनके साथ में स्नेह हो जाता है कि हमारी रोज की रूटीन ही बन जाती है कि हम उनसे बात करें, फ़ोन पर बात करें, और इस तरह से हम उनके साथ में क्या करते हैं, संबंध हो जाते हैं। और फिर ऐसा भी होता है कि बीच में लिंक टूट जाता है और फिर सडनली वो गायब हो जाते हैं, फिर हमारा भी मन में उतना रहता नहीं है कि वो हमसे मिले थे या कुछ, मतलब एक तरह से वो मतलब जादू की तरह गुम हो जाते हैं। तो ये भी आपका हिसाब था जो आपके चुकतू करना था, उतने समय के लिए आपसे उनका संबंध जुड़ा, और जैसे ही वो संबंध और जो हिसाब था वो खत्म हुआ तो आपको वो मतलब याद नहीं आया। लेकिन जो आपके क्लोज रिलेशन होते हैं वो रिलेशन सबसे घनिष्ठ होते हैं, माता पिता के, भाई बहन के, पति पत्नी के, बच्चे माँ के, पिता और बच्चे के, तो ये बहुत घनिष्ठ संबंध है। अब इन जो संबंधों में कभी किसी को बीमारी होती है और हमें उस संबंध में जो उनको देख करके कष्ट होता है, तो उसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं, इतना प्रयासरत रहते हैं, लेकिन यहाँ फिर हमें समझना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा और उनका संबंध कितने दिन का है, कब तक का है, कौन सा हिसाब लेकर के वो आए हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चे जन्म से ही अपंग होते हैं, या कोई बीमार आता है, या कोई इस तरह से आता है कि आपका 2-4-10 साल जीवन उनका रहेगा और आपका खूब धन भी खर्च होगा और आपसे खूब सेवा भी करवाएंगे, और आपका पूरा कहना चाहिए पूरा समय उनके लिए ही रहता है, तो तन मन धन से आप उनकी सेवा करते हैं और सडनली उनकी देह छूट जाती है। तो यह भी आपका और उस आत्मा के आने का और आपके साथ में संबंध जुड़ने का, और फिर वो हिसाब पूरा करके वो वापस आपको छोड़ के चला जाता है, ये भी आपका हिसाब है। अब ये भी हमें सहन हो जाता है, क्योंकि हम तो सोचते हैं चलो अच्छा ही है, कम से कम वो खुद से तो कुछ कर नहीं पाता था, तो कष्ट तो होता है क्योंकि हमारे वो बच्चे के साथ हमारा संबंध था, तो वो कष्ट उतना नहीं होता जितना आपको कोई नई उम्र का बच्चा या कोई जवान या कोई इस तरह से जो अधेड़ उम्र का होता है, उस उम्र की मनुष्य आत्मा जब शरीर छूटती है तो उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन हम जाने अनजाने ये बात भूल जाते हैं कि जिसके लिए हम इतना प्रार्थना करवा रहे हैं, इतनी दुआ पढ़ रहे हैं, इतना हम उनके लिए योग भट्टी बिठा रखी है और इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, तो देखो हमारी वो योग भट्टी से, वो पूजा पाठ से, वो दुआ से, वो आत्मा क्या करती है, शरीर छोड़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि आप जो पावर दे रहे हैं ना उसे बचाने के लिए, वो पावर कहीं ना कहीं काम कर रही है, वो पावर आपकी काम कर रही है, क्योंकि वो शरीर छूट भी नहीं रहा है और ठीक भी नहीं हो रहा है। और आपकी जो दुआ है, आपकी जो शक्तियाँ चल रही हैं, वो शक्ति कहीं ना कहीं उसे रोकने में मदद तो करती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसे बचाने के चक्कर में उस आत्मा को उस शरीर के द्वारा कितना कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट वो आत्मा झेल रही होती है उस समय जब आप उसके लिए इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और वो दर्द जबकि हम नहीं सहन कर रहे होते हैं, वो बिस्तर पे पड़ा मरीज, वो हॉस्पिटलाइज्ड जो 24 दिनों से कोमा में है तो सही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कष्ट में है। ऐसे ही एक बहन का एक्सपीरियंस है, वो बहुत वर्षों से ज्ञान में चल रही हैं, परिवार से हैं, और कोरोना के समय उनके भाई को कुछ और भी इश्यूज़ थे और उम्र भी बहुत अधिक नहीं थी, चारों तरफ से उनके परिवार से भाभी भाई माता पिता सब फ़ोन किया करते थे कि आप तो इतने वर्षों से ज्ञान में चल रही हैं तो आप इसके लिए भट्टी करें, दुआ दें। इस तरह से जब वो बहन पूरे टाइम लगी रहती थी और वो कुछ महीने 15 दिन से हॉस्पिटलाइज्ड थे, बहुत कष्ट में थे, लेकिन यह जो बहन योग भट्टी या जो भी परमात्मा के सामने बैठ करके उनके लिए वाइब्रेशन संकल्पों की शक्ति छोड़ रही थी, ठीक होने की शक्ति छोड़ रही थी, और वो आत्मा किसी तरीके से लटकी तो थी, शरीर में तो थी, लेकिन बहुत कष्ट में थी। जब इन बहन को सपने में टच हुआ कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि उस आत्मा का शरीर छूट जाना मतलब उसके कष्ट से छूट जाना, तो आप उसकी जगह मुक्ति, जीवन मुक्ति या शांति या कहीं बहुत अच्छी प्लेस में जा कर के वो आत्मा जन्म ले। देखिए ये सब मुख में कह करके, सुन करके, सुनने तक भी ठीक है, कहने तक भी ठीक है, लेकिन जब कोई अपना इस तरह से कहे कि
मुझे इस शरीर से विदाई दे दो, छूट छूट जाने दो, तो शायद हमें वो एक्सेप्ट करने में या उस परिस्थिति को ठीक दिमाग में रखने तक या उसको हमारे उसमें अप्लाई करने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन ये यथार्थ है। और जब वो बहन ने इस तरह से बाबा पर छोड़ दिया कि बाबा बहुत हो गया, बहुत दिन तक ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद उनका इधर से चले जाना, शरीर छूट जाना ही उनको शांति और मुक्ति, जीवन मुक्ति का फीलिंग आया, तो फिर जब वो बहन ने परमात्मा पर छोड़ दिया तो एक 3-4 दिन बाद वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो वो दीदी ने बताया कि ऐसे बहुत समय तक आत्मा को लटका करके रखा और वो इतनी कष्ट में थी, इतनी कष्ट में थी, इतना दर्द सहन किया उसने। तो देखो, हम आप द्वापर से जो इन रिश्तों को और इसने इन रिश्तों में इतना मोह रख बैठे हैं, इतना मोह रख बैठे हैं, लेकिन ये मोह और प्यार, यदि हम उस आत्मा से प्यार करते हैं ना तो उसे कष्ट में नहीं देख सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि उसका जीवन यदि बच जाएगा ना तो वो आत्मा बहुत अच्छी, लेकिन क्या पता वो जो मर्ज है, जो उसके शरीर में रोग है, जो वो मरीज बिस्तर पे है, क्या पता वो रोग यदि उसके साथ साथ जब तक जीवन है तब तक वो इतना कष्टदायी हो कि उससे अच्छा वो आत्मा शरीर छोड़कर कहीं दूसरी जगह अच्छी बन करके, स्वस्थ बन करके आ जाए। तो हम ऐसे कई बार लटका करके रखते हैं जो परमात्मा ने हमें ज्ञान में बताया है कि मीठे बच्चे, भल मेरी ताकत से या दुआ से या किसी तरह के पूजा पाठ से आप उस शरीर में उस आत्मा को रख तो लेते हैं, लेकिन वो आत्मा कितना उस शरीर के द्वारा कष्ट भोगती है तो कहीं ना कहीं उसका भी आपको ही पाप चढ़ेगा, आपके ऊपर ही वो बात आएगी, क्योंकि आपने उस आत्मा को शरीर में लटका कर रखना मतलब कष्ट देना हुआ। तो ये बातें ऐसे ही समझने की नहीं है, देखो उसको रियलाइज भी करना है और परमात्मा की बातों को भी समझना है, क्योंकि ये हमारा अंतिम जन्म है। जो भी हमारे साथ में संबंध जुड़े हुए हैं वो सब हिसाब किताब चुकतू करने वाले हैं, तो कौन कब कैसे आएगा, कैसे जाएगा, ये तो हम आपको किसी को भी नहीं पता है और ना ही हम ये जानते हैं कि उसके बाद हमारा क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ईश्वर कहते हैं कि मीठे बच्चे, यह जास्ती जन्म और जास्ती मृत्यु का समय है। किसी किसी का तो एक वर्ष में 2 बार भी जन्म होता है, बच्चा जन्म लेता है, शरीर छोड़ता है, फिर दूसरी जगह जन्म लेता है, फिर शरीर छूटता है, क्योंकि आत्मा जैसी आई थी वैसी जाना है, तो उसको पवित्र बनना है, तो जितना उसने जिसके साथ में हिसाब हुआ है उतने हिसाब उसे चुकता करना है। कई बार आपने देखा होगा एक घर में बूढ़ी माँ रहती है और वो हमेशा कहती है कि मैं तो किसी से सेवा ना करवाऊं, हे भगवान मुझे सेवा नहीं चाहिए, मैं बिस्तर ना पकड़ूं, मुझे किसी भी तरह के ऐसे कष्ट ना हो कि मेरे बच्चे मेरे मुझे देख करके परेशान हो, उठाना तो मुझे ऐसे ही उठा लेना, मैं ना तो भोगना भोगना चाहती और ना किसी को भुगवाना चाहती। और वो सच में चलते फिरते ऐसे ही अपना शरीर छूट जाता है, खा करके बैठेंगी और पता चला सोए तो उठे नहीं है, बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे। तो वो देखो जो उनके संकल्प चलते हैं वो सच भी हो जाते हैं और वो किसी को सेवा नहीं करवाते हैं और ऐसे चले जाते हैं। देखिए, एक माँ चाहे 60 वर्ष की हो और चाहे वो 100 वर्ष की हो और चाहे वो कितने भी वर्ष की आयु हो, लेकिन माँ का जाना और आपको माँ को छोड़ना मुंह की बात नहीं है। वो तो जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप अपनी माँ को भूल नहीं सकते हैं। और जो कम उम्र में चली जाती है तो वो तो बहुत कष्टदायी होता है, क्योंकि माँ, और जो माँ ऐसे चले जाते हैं जो बहुत अच्छी आयु में चले जाते हैं और उनका जीवन पूरा हो जाता है, आपको कष्ट नहीं देते, सेवा नहीं करवाते हैं और यूं ही खाते पीते चले जाते हैं, तो आपका देखो उनके जो पिछले जन्म में आपका और उनका संबंध था ना वो कितना मीठा था, कितना अच्छा था, कितना सरल संबंध था और कितना मतलब आपके साथ में कितना अच्छा बैलेंस था कि ना तो आपने किया और ना उन्होंने करवाया और जितने समय रहे बहुत अच्छे संबंध रहे, बहुत अच्छा बोलचाल था, बहुत अच्छा बैलेंस था, कभी ना आपने गुस्सा किया ना उनने किया और ना आपने कभी उनके उनके साथ में कभी लड़ाई जैसा कुछ हुआ और ना उनका कुछ हुआ और ना उन्होंने कभी आपको अपशब्द किए, तो कितना मीठा संबंध था। और आपने देखा होगा कि कभी उनके जाने के बाद फिर आपको वो सताते नहीं है, लेकिन जो आत्मा तड़प तड़प करके जाती है ना और जो आत्मा बहुत मुश्किल पाके शरीर को छोड़ती है ना किसी बीमारी से या किसी मन में रह जाने से या किसी तरह की जो भी आप कह लें, तो वो आत्माएं आपको सपने में आती हैं, बोलती हैं, कोई भूखा जाता है, कोई कैसे जाता है, कोई किसी कष्ट से जाता है, कोई किसी कष्ट से जाता है, तो इस तरह से कितने सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें। तो मेरा ये है कहना कि देखो ये कोई ऐसे ही नहीं है, हमें परमात्मा कहते हैं, लेकिन हमें इन बातों को समझने में और उन उस सच्चाई को
एक्सेप्ट करने में बहुत समय तो लगेगा, लगता भी है, और शायद किसी किसी को तो नहीं नहीं समझ पाएंगे या छोड़ने से बहुत वो लगेगा कि क्यों ऐसा। लेकिन देखो, हम नहीं जानते कि हमारा और उनका संबंध कितने दिन का है, कितने समय का है, किस तरह का है, कितने दिन तक भोगना है, क्या करना है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि यदि जो इस तरह से कभी हो कि महीनों सालों कोई कोई बिस्तर पे पड़ा रहता है, सेवा करवाते हैं, हम करते रहते हैं, कई कई जन्म से 20, 22, 25, 30 वर्ष तक हो जाते हैं तो भी बिस्तर पे ही हमको सब करना पड़ता है, वो भी आपका और उनका जो है हिसाब है, उसका जब तक आप इक्वल नहीं कर देंगे तब तक वो हिसाब चलता रहेगा। तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, दुआ जरूर करें, पूजा पाठ जरूर करवाएं, भट्टी जरूर बिठाएं, लेकिन फिर दूसरा पहलू भी सोचें, यदि परमात्मा ये कष्ट में है आत्मा, तो फिर आप इसे मुक्त करो, फिर भले ही वो किसी भी उम्र की हो, क्योंकि यदि वो जीना कर भी लेगी तो पूरे जीवन भर कष्ट होगा। तो ये सब बातें समझने की हैं, और परमात्मा के ज्ञान में यही सब हम समझते हैं कि जो हिसाब किताब है, चाहे वो धन का हिसाब हो, चाहे किसी के कर्म का हिसाब हो, चाहे फिर वो प्रकृति के साथ हिसाब हो, चाहे वो किन्हीं वैभव वस्तु किसी के साथ भी है, जितने समय का जो आपके साथ में होगा ना, उतना तो आपको चुकाना होगा। लेकिन जो कि हम नहीं जानते हैं, तो फिर हमें कहते हैं कि परमात्मा से टच होना है, तो उसके लिए फिर आपको उन उलझनों में फंसने की बजाय थोड़ा दूसरी तरह से भी सोच करके अपने जीवन को देखना है। और देखिए, संबंध सबके हैं, लेकिन वही परमात्मा कहते हैं प्रेम और अमोह में बहुत फर्क है, दिमाग और दिल में बहुत फर्क है। प्रेम हम करते हैं, लेकिन किस तरह का प्रेम करते हैं? यूँ तो फिर यदि भगवान ने हमें ये दी होती परमिशन, तो हम तो सुखा के रख लेते बॉडी को, क्योंकि वो तो अलाउड है नहीं, है ना। जैसे आपके माँ पिता हैं, छोड़ते हैं, छोड़ जाते हैं, किसी किसी के तो देखो बचपन में ही छोड़ जाते हैं, तो वो फिर जाने ही क्यों देते, क्यों? शरीर तो विनाश ही है, विनाश नहीं होगा तो फिर और क्या से क्या हो जाएगा। तो यही सब समझने की हैं। बहुत आत्माएं कष्ट में हैं, बहुत रोग तरह तरह के चल रहे हैं, जिसके कोई भी बीमारी के दवा आदि मार्केट में, बाजार में, डॉक्टर्स के पास, साइंटिस्ट के पास तक भी नहीं है, और ऐसे सडनली बीमारियां आ रही हैं और आएंगी। परमात्मा तो कहते हैं ना, ये तो विनाश जो है महापरिवर्तन का युग है, तो इसमें तो ना जाने कैसे कैसे प्रकृति से पेपर भी आएंगे वायरस के द्वारा और जिस किसी के भी द्वारा, तो उनका फिर इलाज थोड़े ना तुरंत फुरंत निकलेगा, है ना। वो तो वर्षों पहले की खोज करी जाती है, और तो यह सब तो होना ही है। तो इस ड्रामा को बेहद का ड्रामा समझ करके, जैसे आप रंगमंच पर एक कठपुतली का देखते हैं, या आप आज के समय में सिनेमा में देखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जब उसमें हीरो को मार पड़ती है तो आप क्या कहते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आप तो उसे ड्रामा में देख रहे हैं, वो थोड़े देर बाद उठेगा, घर चला जाएगा, सिर्फ वो ड्रामा है। और लेकिन हमारा जो पार्ट है वो बेहद का ड्रामा है, तो वहाँ पे सिर्फ एक्टिंग करते हैं, यहाँ हम बेहद की एक्टिंग कर रहे हैं। और वहाँ जैसे गुंडा पिटता है तो हम खुश होते हैं, हीरो पिटता है तो ऐसे नहीं कि हम रोना शुरू कर देते हैं, और कि वो तो हमें पता है कि ये ड्रामा है, है ना। एक कपड़ा उतारते हैं, दूसरा पहन कर आते, तीसरा उतारते हैं, चौथा पहनते हैं, पांचवा पहनते, कितने कपड़े बदलते हैं उसमें सीन में। तो ये शरीर रूपी वस्त्र की बाबा बात करते हैं, वहां हम इस कपड़े की बात करते हैं, है ना। तो यही परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। तो हर एक सीन को हमें ड्रामा के सीन की तरह देखना है, और जो कल्प पहले हुआ सो हो रहा है, नथिंग न्यू, चाहे फिर वो कुछ भी हो, समझना है और अपने जीवन के जो बचा समय है उसे समझकर प्रैक्टिकल होकर जीना है। कोई संसार से जब चला जाता है ना, तो हमारा सिर्फ जीने का तरीका बदल जाता है, ऐसे नहीं है कि हमारा जीवन ही चला जाता है ना। कष्ट आते हैं, आना और जाना ये यथार्थ है, सत्य है, कटु सत्य है कि जो आया है उसे जाना जरूर है, कब जाना है ये नहीं पता, लेकिन इस कलयुग में तो किसी की आयु का कुछ भी ठिकाना नहीं है। तो यही सब समझना है। अच्छा, ओम शांति।